क्या मुनासिब आप देखो कहाँ पे है आपको जहाँ अच्छा लगता है ना एक तो कामत है नागोटा में या फिर वो अपना ये है निकालने दे कामत कामत जिसने बाजरी की रोटी चावल चावल की रोटी चलो वो प्लेट वाली नहीं चावल की रोटी बस के अंदर का भी रहना चाहिए ना बस के अंदर का भी वीडियो रहना चाहिए ना कैसे हो बढ़िया कैसा लगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया आजकल आप बहुत घूम रहे थे आप देख रहे थे बराबर लेकिन एक्टिवली काम कर रहे हैं आप इस साल लेकिन आप बहुत एक्टिवली दिख रहे हो पेट खराब रहने का बोला एक्चुअली वो घूमना नहीं मंसर की तरह घूमना नहीं देखो चलो गाड़ी कहाँ से कहाँ पर आगे देखो बिल मेरे ऊपर मैं इधर घूम रहा तो मस्त भाई लेकर आगे अखलाक भागी सुई कहीं भी घूम जाती है अच्छा अपनी बात चल रही थी किधर भी घूम जाती इतनी बढ़िया बात चल रही है मजर रहा हूँ उनके बगैर वो चलेगा नहीं आता अभी स्पॉन्सर पानी दो ना वो स्पॉन्सर कभी खान भाई के ऊपर कभी मजदूर भाई के ऊपर सुई घूमते रहती है पानी चाहिए सादा पानी सादा पानी पीछे कौन बैठा है नीचे बैठ गया अभी एक साल बाद ऐसे बस में जाएंगे ना आप लोगों को देखकर तो हम लोग आए हम लोग एक साथ आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों प्रोग्राम अच्छे रहे और रायगढ़ तो अपने आप में अलग ही अपनी पहचान रखता है जितने सारे लोग हैं उसके जो इखलास है जो दिल से अपने कौम की खिदमत करना चाहते हैं दिल से अपने कौम के बच्चों को जो ना वो आगे लाना चाहते हैं उस इखलास के ऊपर अल्लाह ने क्या किया है हम लोगों को सारे प्रोग्राम को अल्लाह ने कामयाब किया तो असल क्या है कि अगर वाकई जो भी आदमी जद्दोजहद करता है अपनी कौम के खातिर और मेहनत करता है इखलास रखता है उसके अंदर इखलास रहता है ना तो अल्लाह कभी उसको नागा जाने नहीं देते उसको कामयाबी से हम प्लान करते हैं और इस प्रोग्राम को जो तकरीबन मैं इस जो है ना इस स्कीम से मेरी इस यूनिट से मैं 30 साल से जुड़ा हूँ 30 साल मुझे तकरीबन हो गए और जब से ये आइडियल ने लिया है तब से तकरीबन अभी हम लोग को 20-22 साल हो रहे हैं समझे ना तो 20-22 साल से उसकी खिदमत को कर रहे हैं और एक ही अपना अदारा है कि जो इतने कंटिन्यू मुसलसल तसलसल के साथ जो ना 30 साल से जो है तालीमी बेदारी के प्रोग्राम अपने यहाँ कोंकण के अंदर तीनों जिले के अंदर कर रहा है ताकि अपने कोंकण के बच्चों के जो टैलेंट है ना वो भी उभरे और वो भी जो दुनिया के सामने आए करके ये असल हमारा मकसद है इसमें बाकी हमारा जी दुआ करो चल हम आपसे गुजारिश करें आप लोग का साथ अगर इसी तरह मिलता रहा समझे सारी टीम ने अगर इखलास से मेहनत की ना तो ये मुसलसल अल्लाह तक जब तक हम हयात है तब तक अल्लाह हमसे काम लेते रहेंगे इंशाल्लाह इन आज के प्रोग्राम के लिए पॉइंट 10 में से कितना जी 10 में से कितने पॉइंट आज के लिए 10 में से आज के प्रोग्राम में कितने माल देंगे आप कितने आज के प्रोग्राम में 10 में से जो हम लोग जो है ना 7 मार देंगे मतलब अभी 3 मार और जरूरत है उम्मीद है कि उसको हां चलिए प्रोफेसर उस्मान खान साहब बोलिए आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं तो एक 4-5 साल से जुड़ा हूँ इसको लेकिन देखता हूँ तो हर साल में कुछ ना कुछ तरक्की करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो इनपुट है इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा रहे बस यही उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम के लिए नंबर मैं तो 8 तक देना चाहता हूँ मैं मास में कंजूसी नहीं करूँगा आपका एक बार फिर वो रिकॉर्डिंग में बराबर नहीं आया फिर से अल्हम्दुलिल्लाह हल्के मामूल इस साल भी रायगढ़ का प्रोग्राम अच्छा रहा और रायगढ़ में कॉपरेटिव बेसिस पे असातिज़ा और बच्चे वालिदैन का रोल तो कोंकण के सारे ज़िलों में नहीं के बराबर सारा मज़ार जो है असातिज़ा और बच्चे खुद की तैयारी रहती है और इदारों में इदारों से अक्सर बच्चे आते हैं वो इदारे वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से मेहनत करके बच्चों को भेजते हैं या ले आते हैं सारे आज के प्रोग्राम के लिए नंबर 10 में से
दस में से अल्हम्दुलिल्लाह रायगढ़ का प्रोग्राम जो है 7+ रहे। मैडम आप आज के प्रोग्राम के बारे में तासुरा आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा और प्रोग्राम के साथ में 2 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन कोकन का प्रोग्राम माशाल्लाह आज देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी कोकन से हूँ तो मैं अपने कोकन में फख्र महसूस करती हूँ और अपने कोकन के बच्चों का टैलेंट बाहर निकले मैं इनके लिए दुआ करती हूँ और मैं उनको 8 पॉइंट देती हूँ। मजदर भाई आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्याल का इजहार कीजिए। माशाल्लाह सब के ताबूत से प्रोग्राम बहुत कामयाब, रायगढ़ का इन तीनों प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही कामयाब हुए और अल्लाह इसी तरह हमारे उसको कबूल करे और काम करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाते रहे। आज के प्रोग्राम के लिए 10 में से कितने पॉइंट? माशाल्लाह प्रोग्राम तो तीनों जिलों के अच्छे ही हुए, लेकिन रायगढ़ ने जो अपना जो मैार और ये अभी तक बराबर कायम रखा है उसी के साथ रायगढ़ और थाना वाले भी अपने आप की इस्लाह कर रहे हैं। ज़ियादी सर तासुरात किस बात तीनों जिले के? हाँ तीनों जिलों के प्रोग्राम बढ़िया रहे, प्रोग्राम में जो है तालीम सलाहियत की कमी नहीं है और ये आदि जो अदारा काम कर रहा है केटी है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये इसके जो खास इसके जो अट्रैक्शन है डिबेट है तकरीर मुकाबले बेहतरीन रहते हैं जिससे तनवा की जो है तालीम सलाहियत में इजाफा होता है मकफी सलाहियतों को। चना आइटम अंदर हो तो शाकिर सर आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से आपके तासुरात? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे और इसकी कामयाबी का जो राज है वो पूरी KTF टीम को जाता है कि सारे लोगों ने मिलजुल के जो मेहनत की थी इसी के ऊपर अल्लाह ताला ने तीनों जिले के प्रोग्राम्स को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम किनार करा है। आज की प्रोग्राम में 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 8। गुड जज़ाकअल्लाह। माफ करो दो जुमले बोलो आज के प्रोग्राम की तरफ आज की अनाउंसमेंट की तरफ से आपके ये हमारे यंग मेंबर है और अभी अपने ताल्लुक से बोलेंगे। बोलिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत शौक आ रहा है ये सब चीज़ों में हमेशा रहने का और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये KTF टीम हमेशा याद रखे ताकि मैं ये सब चीज़ में आगे बढ़ूँ। बेहतरीन। चलिए नदीम भाई आप अपने इजहार ख्याल कीजिए। इजहार ख्याल ये है कि सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि लोग इसमें फैमिली के जैसा काम कर रहे हैं, जैसे हमारी एज जैसे मेरी एज और हम लोग अभी जैसा पढ़ाई कंप्लीट करके हम लोग अपना जॉब पे हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ जो है मतलब हमारे अब्बा के उम्र के लोग हैं ये सब है, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब एकदम फ्री होके बात करना और चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखने मिल रहा है। मैं तकरीबन 4 साल से इनके साथ मतलब काम कर रहा हूँ KTF के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसा लगता है कि मतलब इन लोग बहुत आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को बहुत समझाते हैं, कुछ अगर गलती हो रही तो उसको समझा के आगे मतलब लेके चलते हैं तो बहुत बहुत बेहतरीन। और उसके बाद जैसा थाने ज़िले का प्रोग्राम हुआ, फिर हमारा रत्नागिरी ज़िले का चिपलून में अल्हम्दुलिल्लाह कल प्रोग्राम हुआ, आज रायगढ़ में हुआ, माशाल्लाह तीनों जगह के प्रोग्राम बहुत कामयाब हुए, अल्लाह का एहसान है और पूरे टीम की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब हुआ क्योंकि एक 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 दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत है लोग बहुत ज़्यादा। कोकन चैलेंज फॉर्म एक तरह से फैमिली मेरा है और ये 3 दिन का हमारा जो सफ़र होता है ये तालीमी 3 दिन की एक तरह से सैर है, तालीमी मुकाबले और पूरी टीम एक फैमिली की जैसी है जिसमें 24 साल से 64 साल की उम्र तक के लोग सभी मेंबर्स हैं और पूरा एक तरह से एक तरह से मशीनरी ऐसी जुड़ी हुई है कि बिल्कुल हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं और सफ़र की थकान, काम की थकान जब हम वेन्यू पे प्रोग्राम पेश करते हैं तो बच्चों को देखकर, उनके जोश को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर
हम सभी अपनी थकन को भूल जाते हैं और दिन भर जो काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारा अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। और ये आज तकरीबन 40 साल हो गए इस तहरीक को, और ये जो आइडियल फाउंडेशन ने इसको तकरीबन 20 साल से इसको चला रही है, 19-20 साल से। तो मैं दुआ करूँ कि ये तहरीक मुस्तकिल जारी रहे और ये नई जनरेशन इससे जुड़ी हुई है और मज़ीद लोग जुड़ें और हमारे कोकण के बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुस्तकिल तौर पर काम करते रहे, ये मेरी दुआ है। चलिए, कमाल मालिक साहब जो अपनी आवाज़ के लिए मखसूस खासियत रखते हैं तो उनकी बेहतरीन और भारी आवाज़ में हम कुछ भारी अल्फाज सुनेंगे। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। KTF से तकरीबन मेरा पूरे पिछले 10 सालों से नाता है और सरबराही करने का भी मौका मिला रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िले का और KTF के एज़ ए जनरल सेक्रेटरी। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जो टीम है, हर टीम मेंबर एक फैमिली की तरह ही रह रहा है। हम लोग जब सफ़र पे निकलते हैं तो कहीं थकान महसूस नहीं, हर तरह की सहूलत हमें फराहम की जाती है आइडियल फाउंडेशन से, और KTF के तमाम मेंबर्स बहुत खुश होकर खुश दिले से एक साथ होकर काम करते हैं और ये टीम वर्क मुझे कहीं देखने नहीं मिला। अगर आप पूछेंगे आज के ताल्लुक प्रोग्राम के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे तो दो मुकाबले हुए थे, एक मुमरा में जो थाना पालघर डिस्ट्रिक्ट का था, दूसरा चिपलून में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का था, और ये तीसरा आज का था। वो ये सभी जो ज़िले में आज का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम रहा, बहुत ही बच्चे भी अच्छी खासी तादाद में थे। और यहाँ पे जैसे कि पहले से शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ का डिबेट वन ऑफ द बेस्ट होता है, और आज हम लोग ने सबों ने देखा कि वो जो टेम्पो था डिबेट का वो उन्होंने कायम रखा और बेहतरीन डिबेट हुआ। GK भी बेहतरीन हुआ, हमारे अखलाक भाई की एंकरिंग ने तो उस ये तमाम प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए, और हमारे तमाम साथी जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सबका साथ दे रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, ऐसे ही ये बरकरार रखें आगे जाके, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे मिलजुल के। थैंक यू, शुक्रिया जावेद भाई। जावेद भाई, आपने तो तमाम KTF मेम्बरान की इंटरव्यू ली, उनके तासुरात जानना चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आपने भी तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये KTF के प्रोग्राम में मैं कम से कम 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इस प्रोग्राम के जो इवेंट होते हैं और यहाँ पे जिस तरह से काम किया जाता है, यही वो काम है और यही वो टीम वर्क है जो हमको यहाँ तक लेके आता है। बल्कि मैं कहूँगा कि KTF के इस प्रोग्राम के लिए हम साल भर इंतज़ार करते हैं, तो ये अभी तक के बॉम्बे में या जहाँ भी मैं देखूँ जितने भी मेरे सर्कल हैं उसमें KTF की ये इंफरादियत है कि एक ही दिन में 10 इवेंट होते हैं और उसी दिन सेम 10 इवेंट होते हैं और उसी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मोटिवेट करने के लिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि KTF का ये प्रोग्राम जो है वो सालों साल चलता रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ये प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए और इसकी क़यादत इसी तरह से होना चाहिए। तकरीबन सभी जगह जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पर दिन ब दिन तदरीज जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है, और ये जो KTF की जो मुहिम चली है इसका असर जो है हमको आइंदा नस्लों में देखने मिलेगा। इसकी वजह से जो बच्चे तरबियत पा रहे हैं, मैंने देखा कि जो बच्चे डिबेट में हार जाते हैं वो भी एक अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं, उनके अंदर एक एहसास है कि नहीं हमने यहाँ आ रहे हैं लेकिन उनको आगे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो तकरीबन ये तीनों प्रोग्राम में मैं रहा हूँ, ऐसे जज भी रहा हूँ, ऐसे कमेटी मेम्बर भी रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ऐसे ही सक्सेसफुल चलता रहेगा क्योंकि अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और तीनों प्रोग्राम बाकायदा बहुत अच्छे रहे। इस बार जो है चिपलून में भी जो है मुझे रायगढ़ की झलक नज़र आई, चिपलून में भी बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। धीरे धीरे जो है वो मुंबई में वहाँ पर भी थाने ज़िले में भी जो है इम्प्रूवमेंट आएगा, और रायगढ़ तो हमेशा से बेस्ट रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा और हमारी कौम जो है वो KTF के ज़रिए तरक्की करती रहेगी। तो मेरी तमाम KTF के तमाम इमरान का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ,
और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह से नेक नियति से काम करें, अल्लाह ताला इसको अपने बारगाह में कबूल करें, नियतों के सब दारोमदार हैं। तो तमाम इमरान को बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकअल्लाह खैरा। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने तासुरात का इजहार किया, जैसे कि तमाम लोगों का इजहार किया, मैं समझ रहा था कि भी आपके भी तासुरात में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके भी कमेंट्स दिए माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है कि ये जज्बा देखकर, यूनिटी देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।